आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से अंजलि। आज भाद्रपद पूर्णिमा, परम वंदनीय माता जी का महाप्राण दिवस। आज के दिन इस दिवस को हम नारी सशक्तिकरण के रूप में भी मनाते हैं। स्नेह सलीला परम वंदनीय शक्ति स्वरूपा सजस श्रद्धा की प्रतिमूर्ति माता भगवती देवी शर्मा जी का जन्म 20 सितंबर 1926 को हुआ। कई अन्य खेलों में माता जी का सबसे प्रिय खेल शिव पूजा था, जिसके माध्यम से वे ध्यान और साधना में गुरुदेव के दर्शन किया करती थी। 16 फरवरी 1945 को गुरुजी और माताजी एक आदर्श पथ पर एक साथ चलने के लिए संकल्पित हुए। अखंड ज्योति प्रकाशन हेतु किराए का मकान लिया गया, जिसमें माताजी, 3 बच्चे, ताई जी, गुरुजी के साथ वास करने लगी। माताजी अपने हर एक कामों के द्वारा हर पल हर क्षण साधना किया करती थी। साधना के समय गायत्री तपोभूमि निर्माण का मूल प्रेरणा माताजी के अंतःकरण में अंकुरित हुआ। जमीन भी देख ली गई, किंतु जमीन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे की व्यवस्था नहीं बन पाई, जिन पर माताजी ने बिना किसी संकोच के अपने सारे कहने और पैसे गुरुजी के चरणों में रख दिया। माताजी का कहना था, वास्तविक श्रृंगार शरीर का नहीं व्यक्तित्व का होता है, और व्यक्तित्व का श्रृंगार स्वर्ण जड़ित आभूषणों से नहीं बल्कि तप और विद्या से होता है। माताजी ने नारी जागरण आंदोलन के द्वारा देश विदेश की नारियों को पर्दा प्रथा मूढ़ मान्यताओं से निकालकर उन्हें न केवल घर परिवार समाज में समुचित सम्मान दिलाया, अपितु धर्म अध्यात्म से जोड़कर वैदिक परंपरा से दीक्षित एवं पारंगत करके ब्रह्मवादिनी की भूमिका संचालित करने योग्य बनाया। आज उन्हीं के पुरुषार्थ से देश विदेश की नारियां यज्ञ संस्कारों का सफल संचालन कर रही हैं। माता जी ने राष्ट्र के प्राणों को नवस्फूर्ति प्राप्त करवाने के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने हिमालय की यात्रा की योजना बनाई, राष्ट्रव्यापी अश्वमेध महायज्ञ की घोषणा की तथा मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए विश्व यात्रा प्रारंभ की। माता जी महाशक्ति हैं, उनमें ममता की भी शक्ति है, वह भाव स्वरूपा है। शक्ति के सभी स्वरूप उनकी आत्मचेतना में समाहित हैं। ऐसी स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी को हम सभी भावांजलि समर्पित करते हैं, उनको सत सत नमन करते हैं।